हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर दीप फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट विच यू कैन फाइंड हार्ड इन बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर, कि बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट हार्ड लग सकते हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं। वीडियो के कंटेंट में सबसे पहले हम जानेंगे कि बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हार्ड सब्जेक्ट कौन से हैं जिन पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर में आपके टोटल सिक्स सेमेस्टर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। सबसे पहला है आपका फार्माकोलॉजी 3, देन आपका है मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, देन है आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, देन आता है आपका बायो फार्मास्यूटिक्स, देन आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर में। नेक्स्ट, अब सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक इस वीडियो का, विच सब्जेक्ट यू कैन फाइंड हार्ड, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको हार्ड लग सकते हैं। वो बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको हार्ड या फिर थोड़े से आपको जिनको समझने में पढ़ने में टाइम लगेगा। वो है आपका बायो फार्मास्यूटिक्स, सबसे पहला बायो फार्मास्यूटिक्स है, नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, एंड लास्ट है आपका हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स लुक एट द ईच सब्जेक्ट वन बाय वन। तो चलिए हर एक सब्जेक्ट को एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बायोफार्मास्यूटिक्स। बात यह है कि मैंने बायोफार्मास्यूटिक्स को हार्ड सब्जेक्ट्स में क्यों रखा है। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है दैट बायोफार्मास्यूटिक्स इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ थ्योरी, डेरिवेशन, मैकेनिज्म। स्टूडेंट में फाइंड दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और अ बिट हार्ड। देखो, बायोफार्मास्यूटिक्स सबसे पहली बात तो एक न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। आप फिफ्थ सेम से आके सीधा सिक्स सेमेस्टर में आए, वहाँ पे आपने बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी जो आपको एकदम न्यू लगी, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर तक हम क्या पढ़ते हैं, कोगलॉजी, कोगनोसी, मेडिकेम, ज्यूरिसी वगैरह हम पढ़ते हैं ना। बट ऐसा नहीं है, बायोफार्मास्यूटिक्स आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा न्यू लग सकता है। एंड येस, वन मोर थिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स आपका कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स में जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे होगी आपकी थ्योरी, डेरिवेशन, मैकेनिज्म। जहाँ पे आपका, अगर आप हम उसको एनालाइज करें सब्जेक्ट को, तो ये निकल के आएगा कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर आपके पास थ्योरी रहेगी, डेरिवेशन भी रहेगी, एक यूनिट में डेरिवेशन भी है इसमें, एंड नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म, हर चीज़ के मैकेनिज्म है इसमें, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सो एक चीज़ है, स्टूडेंट को बायोफार्मास्यूटिक्स या तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है या तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग सकता है। इन दोनों चीज़ों में से आपको एक ही चीज़ लगेगी, इंटरेस्टिंग या हार्ड। या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है या आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। आपके पास ना थोड़ी बहुत जनरल फार्माकोलॉजी की बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स की पहली 2 यूनिट में आपको थोड़ा बहुत जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एलिमिनेशन, उसके एलिमिनेशन होता है, मेटाबॉलिज्म, एसेट्रा एसेट्रा आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बायो फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट इज अवर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी आपको थोड़ा हार्ड या ट्रिकी लग सकता है, जैसे कि मैंने लिखा है दिस सब्जेक्ट इज नॉट हार्ड फॉर एवरीवन। ये सब्जेक्ट हर किसी के लिए हार्ड नहीं है, बट स्टिल सम स्टूडेंट मे फाइंड दिस सब्जेक्ट बोरिंग और हार्ड। बट किसी किसी स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा बोरिंग लग सकता है, काफी ज्यादा हार्ड लग सकता है। एंड वन मोर थिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, दैट बायोटेक्नोलॉजी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट दिस सब्जेक्ट इज अ कॉन्सेप्चुअल एंड नीड योर अटेंशन। जैसे कि आपको पता है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट स्टिल इसकी थ्योरी के अंदर भी कॉन्सेप्ट छिपे पड़े हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, डीएनए, आरएनए, पीसीआर वगैरह, आपको इसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत बहुत अटेंशन चाहिए, यू नीड लॉट्स ऑफ अटेंशन इन दिस सब्जेक्ट। सो वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू सी दैट रटने से कुछ नहीं होगा बायोटेक में, आप इसमें रट्टाफिकेशन मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके थ्योरी के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाके आप बायोटेक को कर पाओगे। ओके, किसी के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान है, किसी के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यस, इसलिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट है हमारा हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्यों डाल दिया, क्योंकि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इतना आसान, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। बट देखो गाइस, मुझे तो अपने टाइम पे हर्बल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी मेरे को हर्बल।
बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था एंड अपने आप से बना के मेरे 75 या 76 मार्क्स आ गए थे इस सब्जेक्ट में, बट मुझे ये ना इजी नहीं लगता था, तो शायद मुझे लगा कि बाकी बच्चों को भी इजी ना लगे। ये हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी वैसे तो ये थ्योरेटिकल है, बट मुझसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते नहीं है। तो देखो, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सबसे पहले बात हमारा आसान सब्जेक्ट है, बट इस सब्जेक्ट में क्या है ना, इसमें आपके फार्माकोगनोसी और एनवायरमेंटल साइंस बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर के टाइप क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप इससे सबसे पहली बात, ये मुझे पसंद ही नहीं है ये सब्जेक्ट, अब ये निकल चुका है, आई एम वेरी हैप्पी, बट हाँ ये सब्जेक्ट आपको हार्ड लग सकता है। और सबसे ज़्यादा बोरिंग इसमें फार्माकोगनोसी है, इसमें आपको ड्रग्स के नाम पढ़ने पड़ेंगे, फैमिली वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, बट इसलिए मैंने डाल दिया कि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत थ्योरी है यार, इतना थ्योरी कौन पढ़ेगा, विच मेक्स दिस सब्जेक्ट अ बिट बोरिंग। इसकी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता था। मैं जब अपने, आपको पता, जब मैं HDT का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं तो कुछ भी मतलब लिख दिया था बस मैंने इसमें थोड़ा बहुत, बट लकीली शायद एग्जामिनर अच्छा होगा जिसने कॉपी चेक करी होगी मेरी। सो बट दोज स्टूडेंट हु हैव अ गुड क्रैमिंग पावर, दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट बोरिंग फॉर देम। एंड यस, वो स्टूडेंट जो इजिली रट्टा फिकेशन, इजिली रट लेते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्वालिटी से भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैं कहती हूँ, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि हार्ड सब्जेक्ट कौन से, वो हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड देन वी हैव हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।